हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या योगदान रहता है अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाने में। ठीक है, इस अर्थ को बैलेंस रखने में आपका क्या योगदान रहता है? ठीक है, आपके मेडिटेशन का क्या योगदान रहता है, आपका क्या योगदान रहता है, उस सब पर बात करूंगी मैं इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही इनर वर्क कैसे करना चाहिए, ये दो क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी, क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड हैं ये क्वेश्चंस एक दूसरे से, और आप लोगों के कई बार जवाब भी रहते हैं, मतलब सवाल जवाब इसी तरीके के कुछ रहते हैं कि इनर वर्क क्या है, कैसे करना चाहिए, इसको क्लियर करें। हालांकि पहले मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में एक वीडियो मैंने जब सोल पर्पस सोल मिशन स्टार्ट किया था तब बनाया था। ठीक है, और अब मैं वापस से उसी पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से इस वीडियो में। ठीक है, कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, कनेक्ट कर पाएँ आप लोग मुझसे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इनर वर्क कैसे करते हैं पहले तो इसे सुनिए। ठीक है, इनर वर्क क्या है फ्रेंड्स? इनर वर्क देखिए, ईस्ट होते हैं हमारे, एक सब लोग हैं हम सब, और अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्म हैं। ठीक है, धर्मों में डिवाइड हैं, फिर उसमें भी अलग अलग चॉइसेस हैं हमारे पास कि हम किस तरह से ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम चर्च जाकर के कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर गुरुद्वारे जाकर के कनेक्ट करना चाहते हैं, या मंदिर या मस्जिद, जिस भी तरीके से। ठीक है, या जहाँ हमारा बर्थ हुआ है हम उसी जर्नी को आगे लेकर के कि यस, हम अगर हिंदू फैमिली में तो उस तरीके से, मॉडर्न फैमिली में तो उस तरीके से, और सिख फैमिली में तो उस तरीके से, ठीक है, क्रिश्चियन फैमिली में तो उस तरीके से, वो हमारे हम उस तरीके से भी अपनी चॉइसेस को चुनते भी हैं, उन सब तरीके से ही चुनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, और हमारा लगाव बचपन से वैसे ही होता है, उन्हीं चीज़ों से होता है जिस माहौल में हमें रखा जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन जो है वो हम अपने ईस्ट से जुड़ने के लिए करते हैं। वो ईस्ट राधा कृष्ण भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से आप लोगों से बात करूँगी, केवल कृष्ण भी हो सकते हैं, ठीक है, शिव भी हो सकते हैं, शिव शक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस भी तरीके से कनेक्ट करना चाहें। ठीक है, अब आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको सब तरफ मतलब सब में बिलीव रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका भरोसा एक तरफ प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद प्रणाम सबको करो। ठीक है, निरादर किसी का नहीं करना, सम्मान सभी का करना है, प्रणाम सभी को करना है। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने जिस भी तरीके से अपने ईस्ट को मतलब आप अपने आप से जोड़ा है, चाहे किस भी रूप में जोड़ा है, ठीक है, शिव के रूप में जोड़ा है, शक्ति के रूप में जोड़ा है, जैसे भी, तो आप उनसे हमेशा कनेक्ट करते रहें। ठीक है, कनेक्ट कैसे करते हैं हम? अब अगर मैं किसी बालक की बात करूँ, छोटा बच्चा जो होता है वो कैसे करता है, उसको नहीं पता कि भगवान क्या, मतलब किस तरीके से पूजा करते हैं, किस तरीके से एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो सोल्स, कि मंदिर जाना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ये करना, फिर वो करना। ठीक है, व्रत के द्वारा, ठीक है, संकल्प के द्वारा, जिस तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं वो करते हैं। ठीक है, बच्चा क्या है वो ये सब चीज़ें नहीं जानता है। और एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, अगर कुछ ज़रूरी है इस धरती पे, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है इस धरती पे, और कोई चीज़ है इस धरती पे जो ईश्वर को सबसे प्यारी है, वो है वो एक जो मासूमियत होती है ना, एक बच्चे के भीतर जो होती है, उसको वो अपना मतलब दिमाग नहीं चलाता हर जगह, हर चीज़ को दिमाग से नहीं, दिल से जोड़ के देखता है। ठीक है, और
जितने भी ट्विन सोल्स होते हैं उनका हार्ट चक्रा मोस्टली अगर देखा जाए बचपन से ही वर्किंग होता है, ठीक है, कुछ हद तक वर्किंग होता है, 50% उनके चक्रास जो हैं वो वर्किंग होते हैं, ठीक है, हार्ट चक्रा स्पेशली वर्किंग होता है उनका, ठीक है, क्योंकि जो हार्ट चक्रा होता है वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है खुद से और दूसरों से, दूसरों के सुख दुख खुशी गम सब चीज़ में आप उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जितने भी ट्विन सोल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है जुड़ने में, और जो अदर सोल्स हैं आप देखेंगे मोस्टली सोल्स ऐसे होते हैं, दो तरीके के सोल्स होते हैं, एक सोल्स वो होते हैं अगर कि कोई दुख में है तो उस वो अगर कहीं गिर भी गया है अगर बीच रोड पे, उसको उठाने से पहले भी सोचेंगे कि इसमें हमारा फ़ायदा हो रहा है कि हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर कोई ट्विन सोल्स हैं या फिर जिनका हार्ट चक्र हील हो रखा है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो ये भी नहीं सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उठाने जाएं, मतलब हम उसको सहारा देने जाएं, पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आके हमको टक्कर मार दे और हमें ही कुछ हो जाए, मतलब इस तरीके का एक जो दिमाग होता है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में जो द्वंद्व होता है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं होती है उन ट्विन सोल्स की, वो हील होते हैं, ठीक है, 50% हील होते हैं उनके हार्ट चक्र, ठीक है। और कितने भी डिस्टॉर्टेड हों, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, कितने भी डिस्टॉर्टेड हों, बट वो हार्ट चक्र उनका जो है वो 50% वर्किंग होता ही होता है, ये चीज़ आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी अपने ट्विन के भीतर भी, अपने भीतर भी, ठीक है। अगर आप अपने बचपन से लाइफ एनालाइज करें या फिर क्रॉस चेक करें तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और देख पाएंगे कि जो आपकी लाइफ है उसमें मतलब जो है आपके हार्ट का कितना बड़ा योगदान है। आप दिल से बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, टाइम नहीं लगता आपको लोगों से कनेक्ट होने में, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि गॉड को जो है वो मासूमियत बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, क्योंकि उन्होंने दिमाग जो हमको दिया है वो दिमाग हमें हमारी लाइफ सर्वाइव करने के लिए दिया है, ना कि इंसानियत को नाप तोल कर देखने के लिए, या फिर अगर हम कोई रिस्पांस दे रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ में अपना दिमाग चलाने के लिए, इसलिए नहीं दिया है। लॉजिकल होना ज़रूरी है बट इतना भी लॉजिकल नहीं होना चाहिए कि आप ये भूल जाओ के पीस और लव नाम की भी कोई चीज़ होती है अर्थ पे, ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है, मतलब इतना ज़्यादा ना एक कहते हैं ना मतलब ही नहीं हो जाना चाहिए हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है, जितनी भी प्योर सोल्स हैं, अब प्योर सोल्स का अर्थ आपको पता चल गया होगा, जो हार्ट चक्रा जिनके हील होते हैं, ठीक है, वो प्योर सोल्स होते हैं, वो खुद का नुकसान कर लेंगे बट आपका नुकसान नहीं होने देंगे, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर वो आपके आसपास है कोई भी प्योर सोल्स तो उसको ये परवाह नहीं होती है कि आप उसके साथ बाद में क्या अंजाम होने वाला है, बट वो आपके साथ पॉजिटिव रहेगा, हैप्पी रहेगा, आपको आगे बढ़ा के ही जाएगा। अगर आपकी लाइफ से जाने का एक ऐसा मोड भी आता है आपकी लाइफ में कि उसको आपकी लाइफ से जाना पड़े, तो वो सपोर्ट करके आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी दे के ही जाएगा, एक नया टर्निंग पॉइंट दे के जाएगा वो आपकी लाइफ में। ये होती है खासियत प्योर सोल्स की, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्स हैं वो हमसे हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों करें, अच्छी खासी हमारी लाइफ चल रही थी, हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं था, हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं थी, या फिर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख थे, वो भी चीज़ें थी, वो हमारे साथ ही क्यों हो रही है। तो वो फ्रेंड्स आपके साथ ही नहीं हो रही हैं, सिर्फ पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, वो आपके साथ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप हो प्योर सोल्स, और प्योर सोल्स के साथ ये उनके साथ होता रहता है, ठीक है। गॉड उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जो भी प्योर सोल्स होते हैं वो तो सबको अंडरस्टैंड करते हैं बट उनके टाइम पे उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो गिवर होते हैं, ठीक है, वो टेक करने में वो बिलीव नहीं करते, और वो जो गिव करो फिर टेक करो फिर गिव करो वो टेक करो, वो बिजनेस वाला काम भी नहीं करते हैं कि हमने किया अब आप हमारे साथ कीजिए, वो इस तरीके का नहीं करते हैं। बट यस, जो एक उम्मीद वाला जो इशू है वो ट्विन सोल्स के भीतर भी बन जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं हमें लग जाती है वो हमारे साथ भी करेगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स,
अब मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ कि इनर वर्क कैसे करना है, इनर वर्क करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। अभी जो मुझे करंट डाउनलोड मिल रहा है कि जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसमें डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को तो नहीं खैर, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को सोलर सेक्रल बहुत सेक्रल चक्र बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, रेस्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, समय से खाइए, ठीक है बस। तो ये करंट डाउनलोड था जो मुझे अभी अभी मिल रहा था, मैं आप लोगों के लिए जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जो इनर वर्क है, आप लोग ने कई वीडियोस देखे होंगे, इनर वर्क में लोग बोलते हैं कि चक्रास हीलिंग के भी मेडिटेशन होते हैं, वो भी कीजिए, ऐसा भी कीजिए, फिर ऐसा भी कीजिए, फिर ये भी करना, फिर ये भी करना, फिर ये भी करना। देखिए फ्रेंड्स, करने को तो आप पूरा 24 आवर्स चाहें आप यही सब करते रहिए, ठीक है। और आप 24 आवर्स में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो डेली आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस में ला सकते हैं। बट एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि आप अपने हाथ से अपने कान को पकड़िए, आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को पकड़िए, तो आप मुझे ये बताइए, आप चाहें तो गर्दन के पीछे से घुमा के पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो सर के ऊपर से हाथ ला के पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो फ्रंट से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मीन आप एक चीज़ समझे कि आप चाहें तो गॉड को हज़ारों प्रोसेस के द्वारा कनेक्ट करें खुद से, या फिर आप एक ही चीज़ से गॉड को अपने से कनेक्ट करें। इससे क्या होगा, आप पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जो जाहिर सी बात है यूनिवर्स भी इस चीज़ को समझेंगे कि देखिए, बच्चे को नहीं पता होता कि क्या क्या करना है, वो इन नियमों में नहीं पढ़ता, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता, ठीक है, इतने नियमों कानूनों में वो नहीं पढ़ता है, इतने रूल्स वो फॉलो नहीं करता है। एक बच्चे को कभी देखा है, वो उसका कोई टाइम नहीं होता रोने और हंसने का, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रहना है आपको, ठीक है। अपनी लाइफ को समझो कि आप ये भूल जाओ कि आपको ये पता चल चुका है, आपको डिटैचमेंट में ला के आपको ये एहसास कराया जा चुका है कि आप सबके साथ खड़े थे, बट आपके साथ आपकी हार्ड सिचुएशन में कोई स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके अब जितने भी ट्विंस हो, आपके तो सोलमेट भी चाह के आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको लेसन्स लेने हैं, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में टीचर चुप रहता है। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था ये कल कि एग्ज़ाम टाइम में यस टीचर चुप रहता है वो टीचर जवाब नहीं देंगे उस वक्त, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है। तो आप ही का एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो उस वक्त आप की हेल्प यूनिवर्स बेशक नहीं कर रहे हैं, बट आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, वो आपका चाह कर भी लोग नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको 10 चीज़ें नहीं करनी है, आपको चक्रास के लिए एक अलग मेडिटेशन, फिर यूनिवर्स के लिए एक अलग मेडिटेशन, फिर ईस्ट के लिए अपने एक अलग मेडिटेशन, फिर एनर्जीज़ के लिए अपनी एक अलग मेडिटेशन, फिर सब चीज़ के लिए एक अलग मेडिटेशन, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन आपको करना क्या है, आप इस चीज़ को सुनिए, जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उनका कोई भी एक मंत्र हो, ठीक है, उसका जाप करना है। जाप कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते हैं तो इस चीज़ को सुनिए ध्यान से, ईयरफोन लगाइए और शांत योगा अवस्था में बैठ जाइए, ठीक है, आइज क्लोज कीजिए और अपना जो सारा जो अपना आत्मा का ध्यान है वो सारा की सारा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, कुछ ना कुछ आएगा आपकी लाइफ डेली रूटीन से रिलेटेड, या आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ में कुछ भी बीता हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, पिक्चराइज फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक होता है ना, हमारा मन शांत नहीं होता और हमारे मन को आदत हमने डाली हुई नहीं है कि वो शांत रहे, तो इसलिए क्या होता है कि वो इधर उधर भागता है, ठीक है, चंचल होता है हमारा मन। तो ऐसे में क्या है, जब हम शुरुआत में ध्यान की ओर जाएंगे तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोग बोलते हैं मेडिटेशन और इनर वर्क में अंतर, कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स, इनर वर्क और मेडिटेशन सेम ही है, ठीक है, आप अपने इनर सेल्फ के लिए कर रहे हैं, जो वो ही मेडिटेशन है, वो ही इनर वर्क है, ठीक है। ध्यान लगाइए, ठीक है, पिक्चराइज फॉर्म में आएंगी, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपके जो भी पिक्चराइज फॉर्म में चीज़ें आ रही थी वो आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ इनर वर्क,
हीलिंग का भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है, बट हीलिंग का मैं कभी और टाइम में बताऊंगी, बट अभी मैं सिर्फ इनर वर्क बता रही हूँ। अब आपको करना क्या है, 30 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 45 मिनट या फिर एक घंटा अपने आप को बैलेंस स्थिति में, उसी स्थिति में बिठाए हुए, ठीक है, शांति से सिर्फ अपने आप को, ठीक है, तो बस शांति से रिलैक्स मोड में बैठना है, ठीक है, ध्यान लगाना है अपने ईश्वर से। जो भी आपको सुख दुख होते हैं ना, अपना सबसे कहना बंद कीजिए, पहले तो इस चीज़ को समझिए, आपके पास कोई दुख नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अपने दिमाग से पहले ये चीज़ निकालिए कि आप नेगेटिव होते हैं, ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप परेशान हैं, ये चीज़ अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि आप परेशान नहीं हैं। आधे से ज़्यादा जो परेशानी है वो इस शब्द ने इकट्ठी की हुई है। आप यही सोचते रहते हैं कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों, सवालों को ताला डालिए, ठीक है, सवालों पे लॉक लगाइए। और अभी ये चीज़ जान लीजिए कि मैं आपको जिनके बारे में बता रही हूँ, जिस यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, वो ही आपकी रियलिटी है, ठीक है, वो ही आपके सब कुछ हैं। आप डिटैचमेंट में हैं, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, आपके लिए अगर कोई करेंगे तो आपके यूनिवर्स करेंगे, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। इवन जब तक यूनिवर्स ना चाहे, जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो केवल आप और आपके यूनिवर्स। अब आपके यूनिवर्स आपके साथ कब करते हैं, आपको सारे जो भी टेस्ट आपके एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं, उन सबको स्टेबिलिटी और बैलेंस के साथ क्रॉस करना होता है, आपको आगे बढ़ना होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। आप 3% आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको 6% 9% सपोर्ट करते हैं। आप 15% आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको 45% सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो इनर वर्क आप कर रहे हैं, यहाँ आपको ना इतना कोई समझदार या फिर कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज या ज्ञानवान बन के उस स्थिति में बैठ करके आपको, मतलब कोई भी किसी भी तरीका ईगो या इशू से आप ऑपरेट ना हो रहे हो, ये भी ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि आप मुझसे या खुद से, मतलब हम आपस में एक दूसरे से तो झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, छुपा सकते हैं, कोई लेयर रख सकते हैं, बट वो जो यूनिवर्स की लाइट है, ठीक है, जिस इनलाइटमेंट को आप पाना चाहते हैं, वो जो लाइट है वो हमारे सभी लेयर्स को बहुत अच्छे से देख पा रही होती है। तो मैं यही बात कहूँगी कि अपने मन में कुछ भी मत रखिए, किसी भी तरीके का कुछ भी मत सोचिए, किसी भी, बस एक चीज़ जान लीजिए कि यूनिवर्स आपके हैं, आप यूनिवर्स के हैं, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। कोई अलग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल एक मंत्रा या शिव तांडव आप सुन सकते हैं। मैं तो शिव तांडव से ही इनवर्क करती थी और अभी तक करती हूँ मैं उसी से, मुझे कुछ और समझ भी नहीं आता है, ठीक है, मतलब मेरी तो जर्नी जब शुरू हुई थी मैं तब से ही, और मुझे, मैंने, आप लोग तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख के कि आप लोग इनर वर्क को लेकर भी बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, बट रियलिटी एक बात बताऊं, मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि जितने मैं वीडियोस देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, सबका अलग अलग तरीका है। कोई चक्र मेडिटेशन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब इस तरीके से मैं 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास की अलग अलग मेडिटेशन, मतलब कैसे करूँगी मैं ये भी चीज़ तो मुझे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी डेली रूटीन जो है, वो डेली लाइफ जो है, उसको भी मेंटेन करके हमको चलना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। साथ ही मतलब हमें धर्म कर्म अपने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज़ को कंप्लीट करके चलना होता है, तो हमें सब चीज़ सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, ठीक है। और ऊपर से हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादा ना हमें चालाक या चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो गॉड हैं, वो सब जानते हैं हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, तो इतना कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़
शिव तांडव सुन सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, बस ये चीज़ें करिए। आपको अगर जैसे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हमारी स्थिति बॉडी की ऐसी होती है क्योंकि हम यूनिवर्सल एनर्जी से जब कनेक्ट करते हैं तो हैवी एनर्जी की वजह से हम बैठ भी नहीं पाते, हम लेटने का मन करता है, ये चीज़ होती है। तो आप रेस्ट मोड में मंत्र सुन सकते हैं सुकून से आइस क्लोज करके, वो भी एक मेडिटेशन है। आपके दिमाग से पहले तो ये भ्रम निकालिए कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लेट के मंत्र सुन रहे हैं तो वो मेडिटेशन नहीं है। आपके दिमाग में ये भी होता है ना, इस चीज़ को निकालिए। वो जो आप लेट के मेडिटेशन वो एक मेडिटेशन स्टेज ही है, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। तो इनर वर्क बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा किसी जाल में फंसने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बहुत सारा है, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप कितना फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार देखिए, ठीक है। एक भक्त है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, सब कुछ है, तो वो क्या करता है, वो हर हफ्ते जा कर के भगवान को सोने का कोई भी आभूषण जा के चढ़ा के आते हैं मंदिर में, ठीक है। और एक भक्त है जिसके पास कुछ भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करता है, उसकी स्थिति इस तरीके की है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं भगवान को क्या दूँ। तो वो क्या करता है, हर हफ्ते एक फूल जो, या फिर मतलब कोई ऐसा फूल जो खिलने के बाद जैसे गिर जाता है, तो वो फूल मंदिर में चढ़ा के आता है। अब दोनों में से बताइए आपके कौन सा जो भक्त है वो ज़्यादा भगवान को प्यारा होगा। एक बात बताऊँ, देखिए जो दूसरा भक्त है उसके पास कुछ भी नहीं है, बट पहला भक्त है उसके पास बहुत कुछ है। जो पहला भक्त है वो अगर उसके पास होने के बाद इतना सब दे के आ रहा है, ठीक है, तो और जो दूसरा भक्त है तो उसके पास तो कुछ है भी नहीं और वो फूल तोड़ भी नहीं रहा है, मीन समझ रहे हो, तो वो तो गिरा हुआ फूल दे के आ रहा है ना, यूनिवर्स से जब जुड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है मंदिर में, तो बस यही करके आता है और प्रणाम करके आता है। तो गॉड क्या देख रहे हैं, वो उसकी मासूमियत देख रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है तो भी वो किसी फूल को तोड़ नहीं रहा है, वो जो गिर गया है उसको उठा करके ईश्वर के चरणों में चढ़ा रहा है। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो फिर भी देने को तैयार है, समझ रहे हो आप, उसके मन के भाव देखिए, वो कितनी प्योरिटी होगी उसके मन के भीतर। और यूनिवर्स जो है वो वही चीज़ देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने कितने रूल्स फॉलो किए, कौन कौन सी चीज़ें की आपने, कौन कौन से मेडिटेशन के टाइप्स को फॉलो किया आपने, ये किया इतना, 24 आवर्स आप मेडिटेशन कर रहे थे, ये सारी चीज़ यूनिवर्स वो नहीं देखते। यूनिवर्स आपकी प्योरिटी देख रहे होते हैं, ठीक है, चाहे आप पूरा दिन नहीं भी, कई बार हमारे साथ होता है कि हम नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन, तो केवल प्रणाम कर लेते हैं और रेस्ट टाइम में मंत्र सुन के रेस्ट कर लेते हैं, तो भी वो यूनिवर्स हमारे, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स हमारे फादर हैं, रियल फादर मदर हैं, शिव और शक्ति हैं, वो हमें देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी हमको देखते हैं, हमको वो ऑल टाइम पूरे टाइम देख रहे होते हैं कि 24 आवर्स हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तभी अपने कामों को कैसे अंजाम देते हैं वो भी वो देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से तो पहले बाहर निकलिए कि इनर वर्क में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं जी, इनर वर्क मेडिटेशन सेम ही है, ठीक है। और इनर वर्क और मेडिटेशन में कोई भी एक चीज़ करनी होती है, ठीक है, हाँ आपको ये चीज़ आप कर सकते हैं कि सुबह शाम आप कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, सुबह 3 बजे कर सकते हैं, मतलब जब आपको खुशी मिले, ठीक है, जब आपका मन करे, जब आपके मन को बेचैनी हो, परेशान हो या नेगेटिव थॉट्स आए, तब आप मंत्र सुन सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को चैनलाइज करिए, ठीक है, पॉजिटिव करिए, खुश रहिए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया था कि अर्थ वाइब्रेशंस आप कैसे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है, ठीक है, ऊपर से मतलब आपके हाँ जी, मैं आपको बता रही थी यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो आपसे जब कनेक्ट करती है तो अर्थ की जितनी भी वाइब्रेशंस डाउन हो चुकी है ना, जो भी वाइब्रेशंस डाउन हो चुके हैं, वो वाइब्रेशन आपकी जो ऊर्जा है ना आपके भीतर की, वो जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो जो ज़मीनी ऊर्जा है, जब
आप उस पर बैठे होते हैं ज़मीन पे, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं अर्थ की, वो ऊपर की तरफ खींचती हैं आपकी ऊर्जा के साथ, ठीक है। और वो जब ऊपर की तरफ खींचती हैं तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, फिर वापस से यूनिवर्स से वो एनर्जी अर्थ के पास आती है, फिर अर्थ से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, पूरी इस तरीके से वो आपसे कनेक्ट करती है एनर्जी जो है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और जब ब्लॉकेजेस होते हैं फ्रेंड्स, तो ब्लॉकेजेस में ये होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैक्रल सोलर हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा थर्ड आई, ये ब्लॉकेजेस बने रहते हैं जिसकी वजह से अर्थ वाइब्रेशंस नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। ये इशूज़ होते हैं और आपकी बॉडी भी जिस वे में उसको काम करना चाहिए राइट वे में वो नहीं कर पाती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, बस ये है इनर वर्क, और ये जो मेडिटेशन है या अर्थ वाइब्रेशंस हैं ये पढ़ाना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने भी अर्थ क्वैक्स या फिर सुनामी या फिर जिस भी तरीके की जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, आंधी तूफान या फिर जो केदारनाथ वाली घटना या उत्तराखंड में जो भी ये घटनाएँ घटती हैं, ये इस तरीके की घटनाएँ ना घटें, अर्थ का बैलेंस भी बना रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ का बैलेंस है वो बना रहना कितना ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए, ठीक है। तो जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें एक लंबे समय तक, और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम पॉजिटिविटी, लव, पीस स्प्रेड करके जा सकें, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको दो सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश की है। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब लेकिन वीडियोस आएंगे, क्योंकि कुछ रीज़न्स बन जाते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, और फिर ये होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है कंटिन्यू करने में। बस यही चीज़ें, ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए फ्रेंड्स, मिलते हैं।